ये बाय द वे यू नो शो बिग डी बट मैं मार तो रही थी यार। हर फिल्म में वही घिसी पिटी स्टोरी होती है, विलेन हमेशा हीरो के पीछे पड़ जाता है। आज की स्टोरी कम्प्लीटली डिफरेंट है, आज हीरो विलेन के पीछे हाथ धो के पड़ जाए, फिर विलेन का क्या होने वाला है ये आपको आगे की स्टोरी में पता चले। डिलीट ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ ರಾಕೆ ಹಲೋ ಕಿನ್ನರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಲೋ ಕಿನ್ನರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೈ ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ಐತೆ ತೇರೆ ಪಾಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಸೂಟ್ ಕಿನ್ನರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೈ ಕಿನ್ನರ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಾಜರೆ ಕಿಲ್ಲರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೋ ಹಲ್ಕೆ ಮೇ ಲೇ ರಹೇ ಥೆ सोच रहे थे हर मूवी का हीरो ऐसे ही होता है, बस थोड़ी देर में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विलन इसी के साथ एंट्री होता है इवेंट पे, आसपास ढेर सारे बंदे। सामने चैलेंजर्स स्क्वाड थे, उनका एक बंदे को नॉक देते सामने एक और बंदा, औकात है तेरी बहन, मैं रहूं चला। शो खत्म करके जल्दी से मैं बाहर की तरफ आता हूँ, ये अपने टीममेट को कॉल कर देते। फिलहाल डैमेज दिया, जल्दी से जाके इसको भी खत्म कर देता। फिलहाल सामने की तरफ कुछ फुस्टे वगैरह आ रहे थे, पहले अंदर की तरफ जाके आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं। डायरेक्टली पीछे की तरफ जाके फिलहाल देखो, ये तो वो हीरो विलेन वाला स्टोरी समझ में नहीं है, थोड़ा सा पीछे करना। औकात है तेरी बहन, मैं रहा हूं चला। ये देखो बदला चैलेंज देके कपड़ा चेंज करके यहाँ पे मेरे को मारने के लिए आया था। विलेन कैसे भाग रही है मूवी में देख रहे हो। खैर सामने कुछ डीवीएस वाले बंदे आ चुके थे, सामने गलत तरीके से फाइट चल रहा था, ये था अच्छा टाइम थर्ड पार्टी करने के लिए। डायरेक्टली मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, इतने रिकॉल पास आए थे आस पास, आप बैक टू बैक बंदे रिकॉल हो गए यहाँ पे आ रहे थे। जब मैं आगे की तरफ जाके टीपीपी लेता हूँ, बेसिकली ये बंदों को तो यहाँ पे नॉक दे देता हूँ, पर सबसे मेन चैलेंज ये था कि इसका टीममेट ऊपर की तरफ आ गया था, इसको जाके कैसे फिनिश किया जाए। योगा देखा जाए ऊपर गया, सीधे हेड कनेक्ट करता हूँ जैसे तैसे करके, ये स्क्वाड को भी खत्म कर देता हूँ। फिलहाल जब मैं यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, गंदे तरीके से पड़ता है। क्या हो गया? बंदे स्पॉट हो चुके थे, मैं डायरेक्टली ऊपर ना जाकर नीचे आ जाता हूँ। अभी देखो पूरा कंप्लीटली रोटेट मारने की कोशिश तैयार ही था, नीचे आया फिर जब तक ऊपर जाता बंदे रिवाइव हो रहे थे।
यहाँ तक सारा सिचुएशन बढ़िया था। बैक टू बैक हम बंदों को खत्म भी कर रहे थे, लगभग हम गेम के टॉप 10 में भी आने वाले थे। यहाँ पे जस्ट मैं एक छोटा सा मिस्टेक करता हूँ, सडनली बंदा ऊपर स्पॉट होता है। शिट, शिट, शिट। क्या जरूरत है यहाँ पे ओपन में खड़े होके मेरे को स्प्रे देने का? यहाँ पे हमें एक बंदा लग रहा था, वहां पे दो दो बंदे थे। अनफॉर्चुनेटली ये गेम प्ले यहाँ पे खत्म हो जाता है। मूड का वर्ड लग चुका था यहाँ पे जब मैं स्ट्रीमिंग खोल रहा हूँ। जिंदगी सवार लो एक नई बहार, तू दुनिया ही बदल दो, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। बस मैं इसी तरीके से कुछ स्माइल आ जाता है। स्ट्रीमर बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी और इनके साथ प्रैंक करेंगे तो और क्यूट क्यूट मजा आने वाला है। तो मैं प्लान सोच चुका था, जो भी था मेरे माइंड पे, मैं चैलेंज देता हूँ यहाँ पे। I want to do a 1v1 TDM. Can I do super chat? I want to do a 1v1 with you. Can I do super chat? Yeah, sure, you can do super chat. Okay. ये सुनते ही मैं तुरंत ही सुपर चैट करता हूँ। देसी बॉय, थैंक यू सो मच फॉर 179 रुपीस। अरे रुको ना, यहाँ पे मेरा प्लान बढ़िया तरीके से सक्सेसफुल हो रहा था, उतने में एक कबाब में हड्डी आ जाता है और ये बोलता है। एंड मैंने बाय द वे तुम रूम आईडी पास बना रहे हो? ओके मदारम, मैं एक रूम खेल के आऊं तब तक। ये था भाई कबाब में हड्डी, सब कुछ तय हो चुका था पर मदारम आ नहीं रहा था यहाँ पे। ना 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 ना, नहीं खेलना टीडीएम। क्यों नहीं खेलना? मैं रूम खेलने जाऊंगी। मदारा गये हो? मैं दबाया जॉयस्टिक, चिपक गया, कुछ भी हुआ मर गया। फिर हमारे कबाब से हड्डी निकल चुका था, अभी हम करने वाले टीडीएम। चलो मैं एक रूम खेल के आती हूँ। ओके बाय बाय। चलो जी भाई मदारा, मैंने थोड़ा नहीं खबर निकल। गंदा मत मारना। अरे मेरे को कहाँ आता है खेलना। यहाँ पे प्लान बी एक्टिवेट हो चुका था। यहाँ पे मेरे को बैक टू बैक कुछ भी करके मरना था बस ये गेम में, और फिर स्ट्रीमर का रिएक्शन देखना। फर्स्ट पॉइंट फॉर द रेड टीम। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं। तो प्लीज लाइक कर दो। ओ भाई मैं क्या खेल रही हूँ। हेलो 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 हेलो, हैकर जैसे मार रही हैं आप? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे दिक्कत मैडम जी, मैं फैन हूँ। माय गॉड यार, ये बोलने के बाद तुरंत मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा स्कैम कर रहा था, अभी ये गंदा मारेगा, ऐसा फील हो रहा है मेरे को। मारना नो प्लेयर। मेरे को ऐसा ही लगा था। जी मैं क्या खेल रहा हूँ? अरे नहीं यार, यही स्कैम करना था, ये तफरी ले रहा है। वही तो मोए मोए, बट मैं मार तो रही थी यार। ये पेन बहुत गंदी चीज है, मेरे को ऐसा ही लगा था। फिर मेरा यहाँ पे प्लान चौपट हो चुका था, स्ट्रीमर को सब कुछ पता चल चुका था और मैं नहीं चाहता था भाई इतना क्यूट स्ट्रीमर हार जाए। कोई गलत नहीं सोचेगा, तुम खुद सोचो भाई, हार जाए अच्छा लगेगा तुम्हें? तो मैं एक सेकंड के लिए तय किया कि ये गेम हम हार ही जाते हैं, एक गेम हार जाएंगे, किसी के फेस में स्माइल आ जाएगा, क्या दिक्कत हो रहा है। ये सोच के यहाँ पे मैं फिर से बैक टू बैक पॉइंट देने लगा घर पे, गुस्सा गोली गोली नहीं चला रहा था यहाँ पे।
टीम को आंख दे दूंगी दूंगी थोड़ी देर में। दो गोली में डेड। सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग आ रहा था, हारने में फर्स्ट टाइम मजा आ रहा था। आई डोंट नो कहां से मेरा मेल ईगो आ गया। तुम 1v1 कर रही हो या इसने चैलेंज दिया तो इसीलिए लाइक कर देना गाइस प्लीज स्ट्रीम को किसी ने अभी तक। अरे यार फिर क्या था, मैं अपने प्लानिंग की भी नहीं सुना। दे दे दे, दो चार पॉइंट ले लेता हूँ और फाइनली झंडा गाड़ देता हूँ। वेल प्लेड यार देसी बॉय, मजा आया ये खेल के। और मैं ऑफिस एजेंट से जाके मैं कुछ बोलता हूँ ऐसा। हाँ शोविक दी लाइव है, शोविक दी लाइव। जी जी, वेलकम टू दिस स्ट्रीम, कैसे हो? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, बिग फैन, आई एम योर बिग फैन। वेल प्लेड मैन, वेल प्लेड, सो माय गेम प्ले, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, वेलकम मैन। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को बुरा लगता है कि पैन नहीं मारना चाहिए था, तुम्हारे लिए मार देता हूँ मैं, सॉरी बोल दिया, सॉरी पैन के लिए। सॉरी फॉर द पैन, फॉर्म अप ऑन मी, यू केम शोविक डी लाइव, सीरियसली यू आर प्लेइंग, मेरे को चेक करना है, ओ माय गॉड आई वाज प्लेइंग विद यू, या सीरियसली ओ माय गॉड। मैडम जी को यहाँ पे मैं बता के स्ट्रीम से विदाई लेता हूँ और उसके बाद उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। ये बाय द वे यू डोंट शो बिग डी खेल रहा था मेरे साथ, सब खेल रहा था, अभी जो रूम खेल रहा था तो तुमको उसने जानबूझ के जीतने दिया ऐसा? नहीं वो जीता, मैं कहाँ जीती, कितने किल से जीता वो? 3 किल से। तो जानबूझ के किल दिया ना? हाँ वो भी है। So lucky I played with you, yeah, Shovik D, seriously, oh my god, मेरे को नहीं पता था। Thank you so much for playing, thank you so 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 much. Oh my god, मेरे को कैसा हो रहा है feel? अरे मेरे को lucky feel हो रहा है, Shovik D खेला मेरे साथ, मेरे को कैसा feel हो रहा है, मैं क्या बोलूँ, कुछ ज़्यादा खुश types. ये स्ट्रीमर काफी ज्यादा अपने सब्सक्राइबर के साथ प्यारे प्यारे तरीके से बात कर रही थी। सपोर्ट करना मैडम को, प्यार देना टीआरबी की तरफ से, लव फ्रॉम टीआरबी कर देना, हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, मिलियन नहीं करवा रहे तुम, देखो तुम्हारी मर्जी जो भी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो एज सून एज पॉसिबल।